अऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मालूम है कि हम असाइनमेंट्स जो है ना वो मैं अपनी बना के इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर रखता हूँ और आप उसका वहाँ से देख के वीडियो प्रैक्टिकल करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ 2 से 3 मिनट की वो वीडियो हो ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो, आप जल्दी उसे देख के पिक कर सकें। पावर पॉइंट की असाइनमेंट हो गई है, कुछ वर्ड की भी हुई हैं। आस्ता आस्ता इसी तरह असाइनमेंट आपके लिए चलती रहेंगी। तो आज की जो असाइनमेंट है वो है क्वार्टर MS Excel की, ठीक है। MS Excel जो ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम काउंटिंग बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें सैलरी शीटें, रिजल्ट शीटें, उसके बाद बजट्स, उसके बाद जितनी भी कंपनी के जो बिज़नेस के जो पैसों का लेन देन और ओवरऑल हर चीज़ के हवाले से एक्सेल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसको आप यूज़ करते हैं। आज हमने जो करना है प्रैक्टिकली वो हमारा है क्वार्टर मर्केंडाइज सेल्स रिपोर्ट। इसके अंदर ना क्या है कि यहाँ पे एक डाटा दिया गया है ऊपर कमोडिटी A, B, C, D, E और टोटल, और इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर का है और टोटल भी है। तो ये एक चार्ट बनाया है ऊपर, इसी चार्ट का ना फिर टोटल सेल फॉर ईच मंथ जो होगा, यानी ये जो मंथ है टोटल लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये जो टोटल है ये टोटल, इस टोटल का आपने ये चार्ट बनाना है। ये पाई चार्ट होता है, इसमें जो है 3 मंथ लिखे हुए नीचे और चार्ट है। कैसे इस टोटल को सिलेक्ट करना है, फिर इसके ये नीचे सेलेक्ट करने हैं और इसको पाई चार्ट पे क्लिक कर देना है तो आपका ये चार्ट बन जाएगा। फिर कमोडिटी सेल्स इन ईच मंथ का एक कॉलम चार्ट बनाना है इसके इसके नीचे ही। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर जो है चार्ट के अंदर ये पूरा चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक ये पूरा जो है वो डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉलम चार्ट में जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाकर यहाँ से आपने ये कॉलम चार्ट ले लेना है। 3D लें या 2D लें, वैसे भी 2D लिया हुआ है उन्होंने, 2D चार्ट ले लें, उसको ऐड कर दें तो आपका ये चार्ट बन जाएगा जिसमें ये मंथ बाद में मंथ आपने ऐड करने होते हैं। जब चार्ट ले लेते हैं आप, चार्ट लेने के बाद फिर इसके फॉर्मेट डिज़ाइन में जाते हैं, डिज़ाइन में जाके सेलेक्ट डेटा में जाते हैं, सेलेक्ट डेटा में जाके यहाँ एडिट करते हैं इसको, ये देख रहे हैं आप, इसको एडिट करते हैं और यहाँ पे जुलाई, अगस्त इनकी रेंज दे देते हैं तो ये मंथ आ जाते हैं इसमें। इस तरह ये कम्युनिटी सेल इन ईच मंथ का ये चार्ट बन जाएगा, ये टोटल ईच मंथ का साल जाएगा चार्ट बन जाएगा। ग्रास सेल्स स्टेटिस्टिक फॉर द क्वार्टर्स, इसमें नीचे ये जो कम्युनिटी A, B, C, D है उसकी ग्रास सेल का चार्ट बन जाएगा। चार्ट की टाइप ये है एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसमें ये बनाना ऐसे होगा कि जो ये कम्युनिटीज़ हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हैं, इनकी ये जो नीचे वाला टोटल है इसको सिलेक्ट करके ये बनाना है। और नीचे वाला टोटल सेलेक्ट करके आप ये एक लाइन चार्ट बना लेंगे और उसके अंदर फिर नीचे ये चीज़ें ऐड कर देंगे। तो ये एक्सेल का एक प्रैक्टिकल है, देख लें इसको। ये यहाँ पे अब यहाँ से इसके ये मंथ हैं, ये इनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं और बिज़नेस के जो कारोबार हैं उनके उनकी वैल्यूज़ हैं, फिर टोटल है, फिर ये नीचे टोटल है, ये सारा आप गौर से देख लें। ये मैं जूम इन आउट कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। फिर उसके बाद इसके अंदर ये चार्ट है, ये चार्ट आपने बनाना है ये लास्ट टोटल को सिलेक्ट करके। फिर उसके बाद इसके अंदर ये नीचे चार्ट है जो कॉलम चार्ट है, ये भी मैंने आपको तरीका बता दिया। ये नीचे वाला जो चार्ट बनाना है ये भी मैंने तरीका आपको बता दिया कि ये कैसे बनाना है, ठीक है। ये बड़ा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि स्टूडेंट जब मोबाइल पे देखते हैं तो उनको सही नज़र नहीं आता, तो इसलिए मैंने बड़ा कर दिया ताकि आपको नज़र आए, और ओवरऑल ये इतना छोटा करें तो ये ओवरऑल इसका ओवरऑल व्यू बनता है। अगर मैं छोटा करूँ तो इसका ये व्यू बनता है, ठीक है, बल्कि ये व्यू बनता है। यहाँ पे देख लें, ये इसका व्यू है छोटे के हिसाब से, और बड़ा करके मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। तो माउस व्हील कंट्रोल दबा के घुमाएं तो ये बड़ा छोटा हो जाता है। तो ये आपका प्रैक्टिकल था एक्सेल का, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो तभी समझ आएगी। आप ये देख लें, इसका व्यू ऐसे होगा, तो आप इसको प्रैक्टिकल करें और जो चीज़ समझ नहीं आती है पूछें, ठीक है। यहाँ टोटल में सम का फार्मूला लगना है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पे भी ये नीचे टोटल सम का फार्मूला लगेगा। बस फार्मूला सिर्फ सम का ही लगना है, बाकी सारी वैल्यू अपनी है, यहाँ तक वैल्यू डालनी है,
इसको यहाँ पे सम कर देना है सारे को, और फिर यहाँ पे भी और ये नीचे वाले भी ऊपर से सम कर देने। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी, और जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल करके इसको सबमिट करें। अल्लाह हाफिज़।